नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण। आज 14 फरवरी है। चाहे पूरा विश्व आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहा हो, लेकिन भारत में ये दिन इतिहास में हुई सबसे दुखद घटना की याद दिलाता है। वर्ष 2019 में 14 फरवरी को आतंकवादी द्वारा किए गए कायराना हमले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे और कई जवान घायल भी हुए थे। इस घटना में शहीद जवानों को पूरा देश आज नम आंखों से याद कर रहा है। बहराइच में भी आज लोगों ने शहीदों को याद कर शहीद उद्यान में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहां पहुंचे लोगों ने कहा कि इस बलिदान की कोई तुलना नहीं की जा सकती। सारा भारत सदैव ऐसे वीर सपूतों का ऋणी रहे कर रहे हैं। लेकिन 3 साल पहले आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा में एक अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 43 जवान शहीद हो चुके थे और जिनकी आज तीसरी बरसी है, और हम उस तीसरी बरसी पर उनको नमन करते हैं और उनको शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उन्होंने जो हमारे देश के लिए अपना प्राण दिया है, बलिदान किया है, वो कोई नहीं कर सकता। और ऐसे पेरेंट्स, उनके माँ बाप को, उनके परिवार को हमारा दिल से नमन है, प्रणाम है, और इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। आप लोग शहीद स्मारक पर क्या मकसद है? आज पुलवामा अटैक में जो भारत के CRPF अर्धसैनिक बल शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वही कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं।